हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम रिबन का यूज किस तरीके से करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरीके से ऑन करेंगे। स्टार्ट बटन पर दिया होगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसका लिखा है यहाँ ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए लास्ट वीडियो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको क्लिप बोर्ड और फॉन्ट के बारे में बताया था और आज मैं आपको पैराग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। पैराग्राफ किस तरीके से इस्तेमाल होता है, पैराग्राफ को हम किस तरीके से यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक नाम लिख लिया, लाल चंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। मैं नाम लेके थोड़ा साइज का बड़ा कर लेता हूँ और मैंने थोड़ा इसको इटैलिक इटैलिक कर लिया। मैंने आपको ये लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि हम इसको इटैलिक बोल्ड और ये सारी चीज़ें किस तरीके से करेंगे। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी लास्ट वाली वीडियो देख लें, इससे पहले कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए हम आते हैं सीधा पैराग्राफ पे। देखिए दोस्तों, पैराग्राफ को हम किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए देखिए, पैराग्राफ में सबसे पहले जो हमारा ये है बुलेट, बुलेट को हम किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए बुल्ट्स में हमारे कई तरह के बुल्ट्स होते हैं। ये है जैसे हमने कोई नाम लिखा, उसके आगे हमें कोई बुल्ट लगाना है, जैसे इस तरीके से ये। आपको इसमें से जो भी बुल्ट्स पसंद है आप वो बुल्ट लगा सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी बुल्ट्स पसंद नहीं है, आप कोई नया बुल्ट्स लगाना चाहते हैं, तो आप ये लिखा है डिफाइन न्यू बुल्ट्स। डिफाइन न्यू बुल्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है सिंबल पिक्चर और फॉन्ट। आप बुल्ट्स को किस हिसाब से लगाना है, सिंबल में चाहिए तो सिंबल पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर बुल्ट्स आ गए। जिस भी टाइप का आपको बुलेट्स चाहिए उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से और यहाँ ओके करके, और जैसे आप यहाँ ओके करेंगे बुलेट्स यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसी तरह से आप इस पर क्लिक करके, डिफाइन पे क्लिक करके और पिक्चर पे क्लिक करके, आपको पिक्चर्स में से कोई बुलेट्स चाहिए तो पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो एक पिक्चर बॉक्स आपका यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। इसमें देखिए कौन से बहुत सारे पिक्चर्स है, ऐसे नीचे करके आप इसे स्क्रॉल को नीचे करके ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए जो मुझे ये वाली पिक्चर का बुलेट्स लगाना, तो मैं इस पिक्चर बुलेट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ ओके करूंगा और यहाँ ओके करूंगा। देखिए ये पिक्चर्स बुलेट्स यहाँ लग गई। ठीक है, इस तरह से आप बाकी चूज करके दूसरे बुलेट्स भी लगा सकते हैं। ठीक, ये तो होगा बुलेट्स। अब आपको अगर हमें बुलेट्स मान लीजिए नंबर में लगाना है, वो काउंटिंग में 1 2 3 या ABCD करके अल्फाबेटिकली लगाना है, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ से आप 1 2 चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके आप 1 2 ABCD में बुलेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर चेंज लेबल में यहाँ से भी बुलेट्स लगा सकते हैं। जो भी आपको बुलेट्स चाहिए उस पर क्लिक करोगे बुलेट्स यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस हिसाब से, ठीक है हम इसे नन कर देते हैं जैसे था। अब देखिए यहाँ से हम डिफाइन करके, इसमें भी हम डिफाइन करके बुलेट्स को यहाँ चूज करके लगा सकते हैं। आप फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और जो भी हमें मतलब बुलेट्स या नंबर या जो भी हमें अल्फाबेटली जो कुछ भी देना है हम यहाँ से ले सकते हैं। फॉन्ट पर क्लिक करके जो भी हमें यहाँ क्लिक किया, ओके किया और यहाँ ओके करने बाद यहाँ ओके करते हैं। देखिए ये बोल्ट हमारा लग गया यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। ठीक है, कोई बोल्ड्स आपके पास यहाँ लगे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम बात इस पे करते हैं। अब मान लीजिए आपको बुलेट्स हमें इस टाइप के चाहिए, इस पे क्लिक किया आपने यहाँ आ गया। अब दोबारा आप जब एंटर मारेंगे तो अपने आप यहाँ बुलेट आ जाएगा। आप यहाँ कुछ लिखेंगे, एंटर मारेंगे, देखिए आ गया। जो भी हम लिखेंगे बुलेट्स क्या होगा अपने आप यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, जितने भी हमें बुलेट्स चाहिए। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब इसको दोबारा देखते हैं। अभी ये बुलेट्स है, इसमें से भी जो भी बुलेट्स आपको चाहिए, मैंने अभी जैसे बताया आपको कोई नाम में या नंबर में या ABCD चाहिए तो उस पर क्लिक करेंगे और बुलेट्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं चाहिए दोबारा उस पर क्लिक कर देंगे, अभी हट जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको बुलेट समझ में आया। अब बात करते हैं इनकी, ये हमारे पैराग्राफ के अंदर क्या होता है। ये हमारे होते हैं सेंट्रल टेक्स्ट। जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है इसको सेंटर में लगाना है या फिर राइट में लगाना है या फिर लेफ्ट में लगाना है। अगर आपको इसको सेंटर में लगाना है तो इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल ई, इस तरीके से आप कर सकते हो। कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल आर से राइट और कंट्रोल एल से लेफ्ट। चाहो तो आप यहां से भी ऐसे क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक, और ये जो भी आपको जहां जगह चाहिए वहां जस्टिफाई कर दोगे अपने आप, वहां एरिया बन जाएगा जहां जस्टिफाई आपको इसको करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब बचा हमारे ये क्या होते हैं, ये हमारे डिक्रीज इंडेंट होते हैं और ये हमारा इंक्रीज इंडेंट होता है। इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, जो हमने ये फॉन्ट लिखा है ये इंक्रीज करके मतलब राइट साइड में उसको आगे बढ़ाता जाएगा। इस हिसाब से जितना हमें बढ़ाना है वो इस हिसाब से बढ़ाता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इंडेंट क्या करता है, ये हमारे फॉन्ट को डिक्रीज करता जाता है पीछे की साइड में इस तरीके से। ठीक
है, एक इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया। ओके, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में हाईलाइट कलर बताया था। हाईलाइट कलर क्या करता है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। हाईलाइट कलर क्या करता है कि जितनी दूर में हमने अपना फॉन्ट लिख रखा है, हाईलाइट उतने कलर को ही फॉन्ट कलर करता है, हाईलाइट करता है, देखिए ठीक है। बट इसके अंदर हमारा जो ये है, इसे हम कहते हैं शेडिंग। शेडिंग क्या करता है कि जो हमारा रोलर है, ये यहां से लिखना, और जो हमारा ये है, यहां तक ये क्या करेगा, हमारे हाईलाइट करेगा हमारे चीज पॉइंट को। देखिए ये कहां से कहां हाईलाइट कर रहा है, हमने यहाँ क्लिक किया, अब देखिए कहां से कहां हाईलाइट कर रहा है, ये यहां से लेकर और यहां तक ये हाईलाइट कर रहा है। अगर हम अपने इस रोलर को थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो देखिए कलर भी अपने आप बढ़ता जाएगा। देखिए ठीक है, हम दोबारा वहीं ले आते हैं जहां था हमारा, जैसे ठीक है, ये हमारा समझ आपको आ गया। इसको हम नो कलर कर देते हैं, हमें कोई कलर नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। ये उसके बाद हमारा आ गया ये बटन बॉर्डर। बटन बॉर्डर क्या करता है, बटन बॉर्डर हमें मान लीजिए कि हमें यहां से यहां तक लाइन करनी है किसी टाइप की, तो लाइन के अंदर हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए लाइन हो जाएगी है। इसके नीचे अगर हमें लाइन करनी है तो लाइन नहीं करनी है, अगर तो आप इसमें क्लिक कर देंगे लाइन हट जाएगी आपको। अगर ये टॉप बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए मतलब चारों तरफ बॉक्स में करना है इसको, तो ऑल बॉर्डर क्लिक कर देंगे आप, ये देखिए ऑल बॉर्डर में हो गया ठीक है। इसे बॉर्डर नहीं चाहिए तो ऑल बॉर्डर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा ये। नो बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, हट गया ये। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर चाहिए तो लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए लेफ्ट में ये बॉर्डर आ गया। और राइट में और लेफ्ट में चाहिए तो आप राइट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए राइट में भी आ गया ठीक है। अगर आपको चारों तरफ चाहिए, अगर सिर्फ बॉक्स बॉक्स चाहिए तो आपने यहाँ क्लिक किया बॉक्स आ गया, कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे ये बॉर्डर शेडिंग में आपको ये नई वीडियो में बताऊंगा, अपने ड्रॉ टेबल व्यू लाइन और ये ओरिजेंटल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ठीक है। ये सारी चीज समझ में आ गया आपको। अब बचा हमारा ये फ्रंट एंड लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग और फ्रंट क्या करता है मैं बताता हूँ। देखिए जो भी हमने ये वर्ड लिखा है उसको हम काट देते हैं, और यहाँ हम अपने एक ये लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई जे के एल एम पी, कुछ भी हम यहाँ पर, यहाँ हमने देखिए कुछ भी लिखे जा रहे हैं ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इन सबके बीच में जो गैपिंग है वो बहुत ज्यादा ज्यादा है। इनके बीच में जो हमने नाम लिखे हैं, ये जो सॉरी नाम बोलना, जो भी मैंने ये हमने अल्फाबेट लिखे हैं, इन सबके बीच में क्या है कि जो हमारी जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि जो भी इनके बीच में स्पेसिंग है वो क्या हो जाए, कम होती जाए। तो ये लाइन स्पेसिंग है हमारा, अगर हमें इसके बीच का स्पेस कम करना है तो हम लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे और ये लिखा 1.0, हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी लाइन स्पेसिंग हल्के से कम हो गई है। हमें और कम करना है तो हम इसी पर क्लिक करके यहाँ लिखा हुआ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जो हमारा पैराग्राफ उसमें से जो स्पेस है वो रिमूव करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए पहले हमारा 2 पेज में था, अब ये देखिए हमारा 1 पेज में लगभग पहुंच गया। अब हमें बिल्कुल इसे 1 पेज में करना है तो हम इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए ये हमारा 1 पेज में आ गया, और जो इसके बीच की जो गैपिंग है वो भी बहुत कम हो गई है। इसी तरह से मान लो अगर आपको इसके बीच की गैपिंग और बड़ी करनी है तो आप लाइन स्पेसिंग क्लिक करें, जितनी गैपिंग आपको चाहिए आप अपने यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ से ऐसे करके गैपिंग को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी आपको गैपिंग चाहिए हो यहाँ से अपना गैप और बढ़ा घटा सकते हैं आप ठीक है। लाइन स्पेसिंग समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि हमारे शॉर्ट क्या करता है। देखिए शॉर्ट में 2 केस होते हैं, एक होता है असेंडिंग केस और दूसरा होता है डिसेंडिंग केस। असेंडिंग केस जो होता है वो क्या करता है, हमारे जितने ये अल्फाबेट के लिए हमने जो लिखे हैं अल्फाबेट, इनका क्या करता है असेंडिंग ए से जेड तक का लगाता है, मतलब सही क्रम में लगाता है, नीचे ऊपर क्रम में। उसका दूसरा कोर्स आता है हमारा डिसेंडिंग केस। डिसेंडिंग केस हमारे क्या करता है, पहले जेड को स्टार्ट करेगा, जेड के बाद वाई एक्स डब्ल्यू डेज, जैसे जैसे हमारा अल्फाबेट होगा उस हिसाब से नीचे करता जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ डिसेंडिंग पर क्लिक किया, अभी जो हमारा अल्फाबेट है ये ए बी सी डी करके लगा हुआ है, अगर हम इसको ओके कर देंगे तो देखिए क्या हुआ, जेड से स्टार्ट हुआ, जेड डब्ल्यू एक्स इस तरीके से हो गया। अगर हम इसको ऐसी असेंडिंग केस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ ओके कर देंगे तो ये असेंडिंग केस में जाएगा, देखिए असेंडिंग केस में हो गया ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा एक ये है, इसका नाम होता है शो हाइड, बस ये कुछ नहीं होता है, इसको शो करने के लिए और हाइड करने के लिए होता है। अगर आपको ये शो करना है तो आप कंट्रोल स्टार दबा दें, सॉरी यहाँ क्लिक कर देंगे तो भी आ जाएगा, आपको हाइड करना है डबल इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये हट जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा ठीक है, नहीं चाहिए तो क्लिक करके हटा सकते हैं ठीक है। इस कुछ नहीं होता है, शो के लिए होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको
इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है या आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखें। हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल का नाम है लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। प्लीज़ आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब तक करें ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप कुछ नया सीख सकें। ओके, थैंक यू दोस्तों।